चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कोविड का वायरस है, कोविड-19 का जो संक्रमण है, ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो छोटे बच्चों में जब ये कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उनमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे या फिर कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे होंगे जब आपके बच्चों को कोविड-19 का संक्रमण होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, और साथ ही में जब ये कोविड-19 का संक्रमण आपके बच्चों में होता है तो उस वक्त आपको कब बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना है या फिर कब उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, और साथ ही में हम बात करेंगे कि कब आपके बच्चों की टेस्ट जो है वो कोविड टेस्ट जो है वो करवानी है। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोरोना का संक्रमण जब छोटे बच्चों में हो जाता है, आपके बच्चों में हो जाता है, तो उस वक्त कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है बुखार। अगर कोविड का संक्रमण जिसको भी हो जाता है उन पेशेंट्स में हमने बुखार, ये सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादातर देखने को मिला है। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होगा कि बुखार, और बुखार के साथ और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सिर दर्द होता है या फिर बॉडी दर्द यानी कि पूरे बदन में दर्द रहता है। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, हमेशा सोने की इच्छा उनके मन में रहती है, साथ ही में उनको खांसी की तकलीफें भी होती है। खांसी की तकलीफें धीरे धीरे बढ़ती है तो उस वक्त उनको ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलने की तकलीफें भी बढ़ जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें फीडिंग जो है वो कम हो जाती है, बच्चे जो है वो खाना जो है वो कम खाते हैं, साथ ही में जो बच्चे 8 साल से ऊपर होते हैं तो उनमें स्मेल जो है वो कम हो जाता है या फिर टेस्ट जो है खाने का जो टेस्ट है कम हो जाता है, साथ ही में उनके पूरे बॉडी पर रैशेस भी दिखाई देते हैं या फिर उनके आईज में रेडनेस भी दिखाई देता है। हमने बात की कि कोविड-19 के संक्रमण में 3-4% लोगों में कंजक्टिवाइटिस भी दिखाई देता है, तो उस वक्त उनके आंखें भी लाल हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस की भी तकलीफें हो सकती है, साथ ही में उनके ओठ जो है उसमें सूजन रहती है, उनकी टंग जो है उसमें भी सूजन आ सकती है, उनके हाथ पैरों में भी उनको सूजन दिखाई दे सकती है। अब उनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि उनको पेट के रिलेटेड भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि दस्त उनको हो सकते हैं या फिर उल्टी की या फिर मितली की तकलीफें भी उन्हें हो सकती है। तो ये जो सारी तकलीफें अगर आपके बच्चों में दिखाई देती है तो ये कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा भी और कुछ सिम्टम्स आपको आपके बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें कोविड का टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स को, अगर किसी को हिस्ट्री है कि वो कोविड-19 संक्रमण से गुजर रहे हैं और उनके कांटेक्ट में आपके बच्चे आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको कोविड-19 का टेस्ट जो है वो करना बहुत जरूरी है। साथ ही में आपके बच्चों में अगर कोविड-19 के सिम्टम्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो भी सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चों में दिखाई दे रहे हैं तो उस वक्त भी आपको कोविड-19 का टेस्ट जो है वो आपके बच्चों का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में अगर कोई भी सिम्टम्स आपके बच्चों में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बुखार का सिम्टम है और बुखार जो है वो 3 दिन से बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त भी आपके बच्चों को आपको कोविड का टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ही मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो कोविड-19 का संक्रमण होने के हाई रिस्क में हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से बच्चे हो सकते हैं जिनमें कोविड-19 का संक्रमण जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि प्री एग्जिस्टिंग मेजर डिसीजेस, यानी कि किसी बच्चे में कोरोना संक्रमण से पहले और कुछ बीमारियां है वो एग्जिस्टेंस में है, तो उन बच्चों में भी ये बीमारी जो है कोविड-19 का संक्रमण जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट में, किसी बच्चे में हार्ट रिलेटेड कुछ परेशानियां होती है, दिल की कुछ बीमारियां होती है जो बचपन से ही है या फिर अभी रिसेंटली चालू हो गए हैं, या फिर किडनी के रिलेटेड कुछ परेशानियां होती है, साथ ही में उनको लीवर डिसीजेस होती है या फिर मैलिग्नेंसीज जैसे कि ल्यूकेमिया है, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसके वजह से बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, तो वो बच्चे जो है वो हायर रिस्क में होते हैं, उनको कोविड का संक्रमण होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं।
और साथ ही में अगर कोई बच्चा जो है उसमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि बच्चे में मोटापा बहुत ज्यादा है, और साथ ही में बच्चा जो है वो डायबिटीज का शिकार है, यानी कि जैसे ही हम बोलते हैं कि किसी छोटे बच्चे में बचपन से ही डायबिटीज की तकलीफ होती है, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, तो अगर किसी बच्चे में डायबिटीज, दमा या फिर लंग यानी कि फेफड़ों के रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, तो उन बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर किसी पेशेंट में सिकल सेल डिसीज यानी कि सिकल सेल एनीमिया हम जिसे बोलते हैं, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन वो अगर ले रहा है, तो ऐसे बच्चे में ये जो कोरोना संक्रमण का रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। जब भी उनको कोरोना का संक्रमण होता है तो उसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब आपका बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो कोविड पॉजिटिव संक्रमण होने के बाद, कोविड का संक्रमण होने के बाद आपको ऐसे कौन से वाइटल्स है या फिर कौन से ऐसे सिम्टम्स है वो आपको मेजर करने हैं आपके बच्चे को, जब आपका बच्चा घर पर ट्रीटमेंट ले रहा है। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन आपको ऑब्जर्व करना है वो है अगर आपके बच्चे में फीवर जो है वो बहुत ज्यादा दिन के लिए रहता है, यानी कि आपने अगर कोविड का टेस्ट करवाया है, मेडिसिन चालू की है, फिर भी उसका बुखार जो है वो 3 दिन से बहुत ज्यादा है, तो ये एक मेजर सिम्टम हो सकता है, डेंजर साइन हो सकता है। साथ ही में अगर आपके बच्चे का ओरल इंटेक जो है वो कम होता है, यानी कि ओरल इंटेक यानी कि जब भी वो पानी पीता है या फिर खाना खाता है वो बहुत कम हो गया है, वो अच्छे से खाना खा नहीं पा रहा है, पानी पी नहीं रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है। साथ ही में बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ड्राउजी फील करता है, बहुत ज्यादा सोता रहता है, एक्टिवनेस जो है वो कम हो गया है, और साथ ही में नेक्स्ट जो साइन हो सकता है वो है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि आप बच्चों का जो सांस फूलना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है RR हम जिसे बोलते हैं वो बढ़ रहा है, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ रही है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है कोविड संक्रमण का। साथ ही में अगर बच्चे का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95% से कम हो रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है कोरोना संक्रमण में, जब बच्चा जो है वो घर पर ट्रीटमेंट ले रहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं बच्चे का, तो वो जो है वो अच्छे पल्स ऑक्सीमीटर से ही मॉनिटर करेंगे, क्योंकि बाजार में बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है जिस पर रीडिंग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, तो ऐसा ही पल्स ऑक्सीमीटर आप लेंगे जिसमें रीडिंग जो है वो अच्छी तरीके से मेजर हो रही है, और उस पर बच्चे का जो सैचुरेशन है वो 95% से कम हो रहा है, तो ये एक डेंजर साइन हो सकता है जब बच्चा घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहा है। अब हम बात करेंगे कि आपके बच्चे को आपको कब हॉस्पिटलाइज करना जरूरी होता है। जब बच्चा COVID-19 संक्रमण से गुजर रहा है और आप घर पर ही उनकी ट्रीटमेंट चालू रख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ डेंजर साइन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मैंने पहले भी बात की, तो उसमें अगर वर्स कंडीशन हो जाती है तो उस वक्त आपको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फास्ट ब्रीदिंग यानी कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, सांस लेने की गति जो है वो बढ़ रही है। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है और उसमें 60 बीट पर मिनट से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की जो गति है वो 60 ब्रीथ पर मिनट हो गई है, और जब आपका बच्चा जो है वो 2 या फिर 12 महीने के बीच में है और उसकी जो सांस लेने की गति है वो 50 ब्रीथ पर मिनट है, तो उस वक्त भी ये हॉस्पिटलाइज करने के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। जब आपका बच्चा जो है वो 12 मंथ अबव है यानी कि 1 साल का हो चुका है और उसमें 40 ब्रीथ पर मिनट अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की गति है, तो उस वक्त आपको ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में और कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि छोटे बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ रहा है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी 94% से कम हो रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है, या फिर बुखार जो है वो 100 to 200 रह रहा है और वो more than 3 days के लिए उतना ही रह रहा है, और बच्चा जो है वो रैपिडली ब्रीथ कर रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये जो सारे सिम्टम्स अभी मैंने बताए तो ये एक डेंजर साइन हो सकते हैं COVID-19 संक्रमण के, और उस वक्त आपको आपके बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि आपके बच्चों में COVID-19 का संक्रमण जो है होता है तो उस वक्त आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपके बच्चों की टेस्ट आपको कब करवानी है, कौन से बच्चे हाई रिस्क में है और कौन से बच्चों को घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कौन से साइन आपको ऑब्जर्व करने हैं, और वो साइन अगर बढ़ते हैं डेंजर सिचुएशन में आ जाते हैं तो
उस वक्त आपको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो सकता है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स पर हमने बात की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों में कोविड का संक्रमण हो रहा है तो उनके पेरेंट्स के लिए वीडियो जो है ये बहुत ही मददगार रहेगा। और ये जो कोविड-19 का संक्रमण है उससे डरने की बात नहीं है। जब आप अच्छी केयर करते हैं आपके बच्चों की या फिर अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं आपके बच्चों को, तो ये जो बच्चे हैं वो जल्दी से कोविड-19 के संक्रमण से कवर हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।